जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? एक्सपीरियंस इज वेरी गुड सर। अच्छा, तो यदि कहा जाए आपको डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप किस तरीके से उसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? Sir, first of all, I will give, you know, if you ask me to give the rating for all the contents and everything between a scale of 1 to 10, I will give always 9, sir. Uh-huh. And regarding this thing, that yes, it is a very good and positive move that initiative has been taken, sir, from a person like you. Uh-huh. Because you know what is the crux and where we have to go, actually. Vision is very much clear. क्या होता है कि सर कि मतलब हम लोग स्टेप्स तो फॉरवर्ड कर लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन विजन क्लियर नहीं होता, रास्ते में हर्डल्स बहुत आती हैं। तो वी हैव टू बी यू नो बाय लिसनिंग टू यू ऑन द डे दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूवन यू नो द पाथ विद अस, एक्चुअली ऑलरेडी आपके माइंड में है, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं सर। एंड दिस इज बेसिकली, दिस इज हाउ टू कन्विंस पीपल सर। बेसिकली इट्स कन्विंसिंग ऑफ पीपल, शेयरिंग ऑफ, मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ सर, इट्स अ गुड मार्केटिंग, बट नाउ वी हैव टू शेयर विद मैक्सिमम पीपल सर। दिस द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। तभी इन लोग ट्रांसपोर्ट लोग जुड़ ट्रांसपोर्ट हो सर, क्या आपने देखा वो बिल्कुल सर अंगूठा चाह रहा, वो अपने एक लाइन पे चलते हैं? नहीं देखो, जो क्राइम फ्री भारत के सभी इनिशिएटिव हैं जिसमें एक बेसिक प्रिंसिपल हमने ये रखा है कि हम ज्ञान या अवेयरनेस नहीं बांटेंगे जी, क्योंकि ज्ञान और अवेयरनेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि ज्ञान या अवेयरनेस जैसे कोई द्रव होता है या पानी होता है जी, तो वो कोई होल्ड करने वाला होगा, जिसको अपन इंडियन कल्चर के हिसाब से कहते हैं पात्रता जरूरी है, पात्र होना जी, चाहिए जी, जी, पात्र कैन होल्ड इट राइट। अब इसमें जैसे आपने कहा कि साहब बहुत सारे लोग उठा छाप है राइट, तो वो फ्लैट पात्र हो गए कि नहीं हो गए राइट जी। और जी, कुछ विद्वान होंगे जी, और जो विद्वान होंगे वो बहुत बड़ा पात्र हो गए राइट जी, जी। लेकिन जो विद्वान लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके दिमाग में और उनके उसमें इतना गोबर कचरा भर दिया गया है जी, वो ओवरफ्लोइंग पात्र है राइट जी, 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 और जी, बिल्कुल सर। उनका जो माइंड सेट है वो फिक्स हो चुका है जी, और उनके जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो उससे बाहर निकलना उसके लिए संभव हो नहीं पाता है, संभव हो नहीं पा रहा है जी राइट। तो अब आप उनसे सिर मारोगे तो पहले से सिर मारोगे तो वो इसलिए नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसकी समझ कम है राइट जी। दूसरी बात है कि जो दूसरा वाला है वो फिक्स नोशंस वाला है, वो खुद ही अपने ज्ञान में फैलाने मतलब फैला रहा है, वो उसी को असिमुलेट करके उसको उपयोग में नहीं ले पा रहा है, तो आपके ज्ञान का वो क्या करेगा राइट जी, राइट सर। और तीसरी बात है कि पूरे इकोसिस्टम में सभी के एक्सपीरियंसेस खराब है लंबे समय से राइट सर, क्योंकि इन काले अंग्रेजों ने वही तंत्र को चुना है। अंग्रेजों के समय में जो आपको तोड़ने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए जो तंत्र बनाया था, जो उसके पास शक्तियां थी, उन्हीं शक्तियों के साथ हमने उस तंत्र को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। एग्जैक्टली सर जी। तो अब वो तंत्र से तो आपके अनुभव बुरे हैं जी, वो तो आपको खत्म कर देता है, वो आपको जो है ना अवैध वसूली का उसका काम है। आप तो जैसे ट्रॉटर का आप सभी लोग कह ही रहे थे बिल्कुल सर जी, कि साहब नाकों में जो है ना वसूली होती है, हम जब शिकायत करते हैं सीएम हेल्पलाइन में तो वो उन्हीं दुष्टों के पास भेज दी जाती है जिनके खिलाफ शिकायत होती है, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है राइट, कुछ हुआ नहीं जी करेक्ट। तो अब सिस्टम तो मजबूर है ना, यदि वही सिस्टम जो है ना हर महीने बैग भर भर के भेज रहा है तो वो बैग का वजन बहुत भारी है ना। बिल्कुल सर जी, वो उस बैग के वजन में जो है ना आपका कल्याण नहीं छिपा हुआ है ना। राइट सर जी, बिल्कुल सही है सर। तो हमें वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। कल आप लोगों से जो चर्चा हुई उससे हमने एक निर्णय लिया कि हम बहुत जल्दी चूंकि आप सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए स्पेसिफिक एक मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिया जाए फास्ट। करेक्ट सर जी, तो आप एक तो ये काम करिए कि मैं अभी आपका एक ग्रुप बना देता हूँ, आप सभी लोग उसमें जोड़ दो ट्रांसपोर्टर राइट जी, और अपन उनको जो है ना अलग अलग ग्रुप बना दें राइट। अलग अलग ग्रुप का मतलब कर दें कि जैसे यूं करिए कि ट्रांसपोर्टर ऑफ छत्तीसगढ़ राइट, फिर हम हर स्टेट के ट्रांसपोर्टर्स का अलग बना लें राइट, और उनके जो मुखियों को जोड़ के एक हम ऑल इंडिया ग्रुप बना। तो जहां जहां का बनता है, जरूरी नहीं है कि यूं करिए मान लो बिहार का है, आपसे कोई लेना देना नहीं, आप किसी को शायद ना जानते हो
जानते हैं तो क्रिएट कर देंगे, दो चार लोग जितने भी हैं उनसे कहेंगे कि साहब उनको एडमिन बना देंगे तो वो जोड़ते जाए उस ग्रुप में। बिल्कुल सर, नंबर वन। नंबर टू, देन वी कैन आस्क दे कैन डोनेट एंड कंट्रीब्यूट लिटिल वेट, राइट। तो उससे जो है ना, कोई अपन रॉकेट साइंस की तो बात नहीं कर रहे हैं। यदि अपन बच्चों को लगा के सिस्टम आपके दिमाग में है, बनाने में कितना समय लगेगा, 3 महीने, 6 महीने जी। तो फिर अपन उसको रिफाइन करते रहे, कम से कम एक इको सिस्टम 6 महीने में जमीन पर तो उतरे। बिल्कुल सर, कर सकते हैं जी, राइट। तो उससे क्या है, देखो यदि हम सामने वाले की बीमारी जो फटी हुई है यदि उसमें मरहम लगा के ठीक कर देंगे तो उसके अंदर एक आशा जागेगी। बिल्कुल सर, आज तो उसे लगता है कि साला इन दुष्टों से निपटना ही मुश्किल काम, मुश्किल काम है सर, राइट। और जो टेक्नोलॉजी लगा भी दी गई है उसके उसका रिस्पॉन्स में भी कोई फायदा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सर, जो आपको कहा गया कि आपका ट्रक खराब हो जाएगा तो कोई दूसरा उसको रिपेयर करने पहुंचा, वो तो पहुंच नहीं रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी का जो दोहन हो सकता था जी, वो नियम के बना के लगा भी दी गई तो उसका यूज नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो पा रहा था। तो वो इनसे अपेक्षा करने की बजाय वो रिस्पॉन्स सिस्टम हम जनरेट कर देना। बिल्कुल सर, मतलब बड़ा सिंपल सा काम है। वहां के जो मेंटेनेंस वाले हैं उनको आप वो बना लीजिए, उनका एक पूरा इकोसिस्टम बना दीजिए। नियरेस्ट को जो है ना सिस्टम आइडेंटिफाई करके जो है ना रिपोर्ट कर देगा, वो आपके पास खुद पहुंच जाएगा, आपसे वो रीजनेबल जो है ना ही लेगा, क्योंकि उसको भी प्रोटोकॉल अपन बना सकते हैं, राइट। जी राइट सर, यदि मान लो उस किसी के बारे में शिकायत आती है तो हम उसको सीएफबी के इकोसिस्टम से बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना। तो वो ही विल लूज बिजनेस, राइट सर। तो सरकार तो करेगी नहीं, अब हम लोग ये सिस्टम को क्रिएट करें। बिल्कुल सर, तो आप लोगों ने कोई फॉलो अप मीटिंग ली फिर उसकी? क्या पहले मंडे को मैंने लिया है सर, मंडे को बात करी है, मंडे को जाऊंगा मैं वहाँ पे। अच्छा ठीक है, मंडे को मैं जाऊंगा फॉलो अप। तो आप एक काम करिए, आप जो है ना बीरन जी आपके चाचा लगते हैं? नहीं, मेरे कजिन ब्रदर है। अच्छा कजिन ब्रदर, तो आप बीरन जी के और आप लोग साथ में बैठिए और मेरे ख्याल से इन ग्रुप को पहले पैदा कर लें। ठीक है सर, उससे क्या रहेगा कि जैसे मान लो ग्रुप जो बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करो, राइट। बिल्कुल, और रिकॉर्ड करके ग्रुप में ही पोस्ट कर दो, राइट। बिल्कुल, उससे सभी ग्रुपों में पोस्ट कर देंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी और रिस्पॉन्स दूसरी जगह आने लगेगा, नंबर वन। नंबर टू, दूसरे लोगों को मालूम पड़ेगा कैसा हम कुछ करने जा रहे हैं, तो एक्टिविटी चल रही है जी, तो कुछ कुछ चल रहा है, तो एक उनके सुझाव भी आने लगेंगे और उन्हें भी आशा तो बन जाएगी, वो जुड़ने में उनको देर लग सकती है, ठीक है ना। और देखो ये तंत्र तब तक नहीं, देखो ये तंत्र है काले अंग्रेजों का, राइट जी। अब दुर्भाग्य से उन काले अंग्रेजों को आप चुन रहे हो, राइट जी जी, उनकी भी मजबूरी है कि आपके वोट को देखें जी। तो आंदोलन से हम उन्हें नहीं डरा सकते हैं क्योंकि उनके पास सब शक्तियां विद्यमान है, राइट जी। आंदोलन करोगे तो किसान जैसा बड़ा कोई आंदोलन कर पाए और इतना लंबा खींच पाए जिसमें सैकड़ों लोग मरे गए हैं, कितना क्या क्या हुआ है उनके साथ, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हो गए, ढेर सारा काम हुआ है, राइट। बिल्कुल, इतना झेलने की क्षमता हर किसी में नहीं होगी जी, राइट। तो हम ये स्थिति ही क्यों निर्मित करें? बिल्कुल सर, हम जो है क्या सोच रहे हैं इसकी सोच एक वीडियो बना के दें कि हम इस क्षेत्र में ये चाह रहे हैं, वो वीडियो उनके लिए कमांड बन जाए, आज्ञा पत्र बन जाए जी। ये ऐसा होगा यदि उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि क्राइम फ्री भारत के पीछे जो है 1 करोड़ लोग खड़े हुए हैं और आगे चल के 50 करोड़ और आगे चल के जो है ना 100 करोड़ और 137 करोड़ लोग रहेंगे और उन 137 करोड़ लोगों का भी उसमें लाभ होगा, वो भी सीधे और आर्थिक लाभ। डेफिनेटली सर, राइट। तो राइट सर, अब 1 करोड़ तब होगा ना जब अपन पहले 1 लाख कर लेंगे जी, 1 लाख की फिर आगे 10 लाख करेंगे, तब 1 करोड़ तो ऐसे ही जादू मंत्र से तो होगा नहीं। बिल्कुल सर, तो अपने से जुड़े चाहे बच्चे हो चाहे परिवार हो उनको इसी टास्क में लगा दो कि जो है ना लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, लोग सब्सक्राइब करें, लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस अकेली स्ट्रेंथ से हम सरकार को झुका पाएंगे जी, राइट। और फिर जैसे हमने कहा था कि मोदी जी ने अपन को बहुत सारी बातें सिखा दी है, अब मोदी जी के फार्मूले मोदी जी पे यूज होंगे। तो मोदी जी ने क्या सिखाया, एक बार यदि आपकी रीच है तो दीपक जलाओ। अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी थे तो उनकी तो रीच थी, सबके पास पहुंच गई उनकी बात। अब मैथिलन गुप्त की यदि रीच हो जाए और मैथिलन गुप्त ने कहा कि आज जो है 5 बजे दीपक जलाए जाएंगे, ये संदेश देने के लिए कि पूरा भारत चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री ये काम करें,
और यदि उसको सुन के पूरा यदि जो है ना भारतवर्ष यदि दीपक जला देता है तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी उस बात को नजरअंदाज करने की हिम्मत कर पाएंगे? अब मैं हिम्मत का वर्ड यूज कर रहा हूँ। जी जी, यदि वो सहमत नहीं होंगे तो आपसे बुलाएंगे और कहेंगे मिस्टर मैथिली शरण गुप्त आपकी सोच में ये कमी है, आप शायद ये चीज नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इसको देखिए और आप एक रिवाइज मैसेज जारी करिए। राइट जी, मतलब वो आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रिवाइज मैसेज जारी करिए यदि उन्हें उसके पीछे तंत्र की यदि जनता की शक्ति उनको दिख गई। जी बिल्कुल सर। और देखिए बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने हित के लिए अपनी सत्ता बनाने के लिए जोड़ गाड़ बदमाश क्रिमिनल सबको जोड़ रही है, मैथिली शरण गुप्त को तो जो ना सब सर्वेताए सर्व सुखाए वाला मामला है। बिल्कुल सर। और मैथिली शरण आपको आज तक कोई ऐसा कहने को मिला है कि ऑन अवर ओन स्ट्रेंथ आई विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ अवर कंट्री? करेक्ट सर जी। मतलब मेरे ख्याल से इसके पहले तो आपको शायद ये डायलॉग भी सुनने को ना मिला हो। जी सर डेफिनेटली। तो देश के बड़े बड़े दिग्गज ये इस डायलॉग को कहने की स्थिति में नहीं है और वो उनका ध्येय भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। देख, है ना जी, जी सर। तो अब आप हमारे प्रेसिडेंशियल ऑफिस के मंत्री हैं, हमने आपको रेजिग्नेशन दे दिया है। यू आर द जनरल सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ प्रेसिडेंशियल ऑफिस ऑफ क्राइम फ्री भारत। फाइन सर, थैंक यू सो मच। आपको ये पद जो है ना स्वीकार है? जी जी बिल्कुल सर, हाँ करेंगे सर, काम करेंगे ना सर, काम करेंगे। हाँ क्योंकि देखो दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय यदि हम सोच पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये करने की और जमीन को उतारने की जिम्मेवारी हमारी है। बिल्कुल सर जी, आई होप यू एग्री विद दिस। 100% सर, आई डू एग्री सर। चलिए तो इसी भावना के साथ जो है हम लोग जुड़ के जो जो अभी अपन ने चर्चा की इस पर आप लग जाइए, ठीक है ना। और इसमें जो है चैप्टर जो है इसी व्हाट्सएप पे बनाइए, ठीक है ना। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप और सब में मुझे जोड़ते जाना। जी ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये मंडे का टास्क ये है, फिर अपन मंडे को बात करेंगे अगले टास्क की। जी ठीक है, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे टास्क से बढ़ेंगे ना तो अपन अकम्प्लिश कर पाएंगे। जी जी डेफिनेटली। मलिया जी जो है अच्छा लगा, और आप हमारे एनआईटी रायपुर के ही जो है एलुमनाई हैं, ये भी हमारे लिए फख्र की बात है। और हम लोग मिलके जो है ना इस देश को जो है ना का भविष्य बदले करेंगे सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। राइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।